फ्रेंड्स, आज के वीडियो आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो आप सभी के लिए पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आप सभी के क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, यकीन न मानिए, हर एग्जाम में पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। किसी संविधान के संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया, मौलिक अधिकार बना रहेगा? ऑप्शन ए 44वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 43वां, ऑप्शन डी 45वां। आपका सही उत्तर हुआ ऑप्शन 44वां। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू हुए? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की कैबिनेट प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत जिम्मेदारी, ऑप्शन बी सामूहिक जिम्मेदारी, ऑप्शन सी किसी के प्रति जिम्मेदारी नहीं, ऑप्शन डी गैर जिम्मेदारी। आपका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी सामूहिक जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितने समय मिलता है? ऑप्शन ए 1 महीना, ऑप्शन बी 2 सप्ताह, ऑप्शन सी 1 साल, ऑप्शन डी 5 सप्ताह। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए 1 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा द्वारा। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन बी संसद के वरिष्ठतम सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए लोकसभा। अगला क्वेश्चन, राज्य की शक्ति निहित होती है? ऑप्शन ए राज्यपाल में, ऑप्शन बी लोकसभा में, ऑप्शन सी विधानसभा में, ऑप्शन डी राष्ट्रपति में। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए राज्यपाल में। क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1951। आपका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी 1957। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है प्रतिष्ठापित? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 4A, ऑप्शन सी 4B, ऑप्शन डी V। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी 4A। अगला क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, ऑप्शन डी स्थानीय सरकार। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में द्विकमरावाद है आवश्यक सुविधा है? ऑप्शन ए संघीय व्यवस्था, ऑप्शन बी एकात्मक प्रणाली, ऑप्शन सी संसदीय प्रणाली, ऑप्शन डी राष्ट्रपति प्रणाली। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को मामलों पर सलाह देता है, कानूनी सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के आधार पर है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी अनुच्छेद 129, ऑप्शन सी अनुच्छेद 147, ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी
अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1989। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी 1992। अगला क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिकता बढ़ाने का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन, ऑप्शन बी राजनीतिक चेतना, ऑप्शन सी सामाजिक असमानताएं, ऑप्शन डी सांप्रदायिकता संगठनों पर प्रतिबंध लगाना। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए अल्पसंख्यक समूहों को शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 3 अप्रैल 1952, ऑप्शन बी 7 अप्रैल 1952, ऑप्शन सी 22 अप्रैल 1952, ऑप्शन डी 13 मई 1952। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी 13 मई 1952। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1952, ऑप्शन बी 19 मार्च 1952, ऑप्शन सी 3 अगस्त 1952, ऑप्शन डी 11 फरवरी 1952। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी 3 अगस्त 1952। अगला क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी 25। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत एक न्यायिक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए कनाडा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद, ऑप्शन सी संविधान सभा, ऑप्शन डी भारत की संसद विज्ञापन। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद। अगला क्वेश्चन, नागरिकता प्रदान करने की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 9 वर्ष। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संसदीय समिति का कोई भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होता है? ऑप्शन ए प्रकलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी सार्वजनिक निगम समिति, ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए प्रकलन समिति। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है? ऑप्शन ए ओजामी में नहीं, ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन सी लोकसभा लेकिन राज्यसभा में नहीं, ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा या कोई राज्य विधानसभा। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के महाधिवक्ता की पेशकश है? ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाभियोग की प्रक्रिया से पद से हटा दिया जाए? भारत के राज्यपाल हो सकता है, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी अध्यक्ष, ऑप्शन डी रेल मंत्री। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 14 सदस्य, ऑप्शन बी 10 सदस्य, ऑप्शन सी 16 सदस्य, ऑप्शन डी 12 सदस्य। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है? ऑप्शन ए 3री अनुसूची, ऑप्शन बी 3री अनुसूची, ऑप्शन सी 1ला शेड्यूल, ऑप्शन डी 2रा अनुसूची। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी 1ला शेड्यूल।
अगला क्वेश्चन, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों का बेचना किस धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए धारा 308, ऑप्शन बी धारा 361, ऑप्शन सी धारा 376, ऑप्शन डी धारा 372। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी धारा 372। अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी कानून मंत्री, ऑप्शन डी सॉलिसिटर जनरल। आपका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी डी पी खेतान, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी टी टी कृष्णमचारिया। आपका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से अपनाए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका संविधान, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन सी आयरिश संविधान, ऑप्शन डी फ्रांसीसी संविधान। आपका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी आयरिश संविधान। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जी वी मावलंकर, ऑप्शन सी एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी डॉक्टर एस पी मुखर्जी। आपका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी जी वी मावलंकर। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला घटना कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। आपका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी अमृतसर। अगला क्वेश्चन, सरकार की कैबिनेट प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत जिम्मेदारी, ऑप्शन बी सामूहिक जिम्मेदारी, ऑप्शन सी किसी के प्रति जिम्मेदारी नहीं, ऑप्शन डी गैर जिम्मेदारी। आपका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी सामूहिक जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी बी वी गिरी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। आपका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, राज्य एक आवश्यक बुराई है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाद, ऑप्शन बी आदर्शवाद, ऑप्शन सी मार्क्सवाद, ऑप्शन डी रचनावाद। आपका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए व्यक्तिवाद। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के बीच गतिरोध हो तो इसका समाधान द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी संसद का संयुक्त सत्र, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। आपका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी संसद का संयुक्त सत्र। अगला क्वेश्चन, संविधान के उद्देश्य में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन ए दो बार, ऑप्शन बी तीन, ऑप्शन सी एक, ऑप्शन डी कभी नहीं। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी एक। अगला क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? ऑप्शन ए भारतीय संसद में, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी भारत की जनता में, ऑप्शन डी राष्ट्रपति में। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी भारत की जनता में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ऑप्शन ए भारत और भारतवर्ष, ऑप्शन बी हिंदुस्तान और भारतवर्ष, ऑप्शन सी भारत और हिंदुस्तान, ऑप्शन डी भारत और इंडिया। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी भारत और इंडिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी मतदाता। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए जनता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन सी वंशानुगत लोकतंत्र, ऑप्शन डी संवैधानिक राजतंत्र। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी लोकतांत्रिक गणतंत्र। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए भाग तीन में, ऑप्शन बी भाग चार में, ऑप्शन सी भाग एक में, ऑप्शन डी प्रस्तावना में। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मूलाधिकार,
ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी कनाडा। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, समाजवाद का अर्थ है? ऑप्शन ए सामाजिक स्पर्धा, ऑप्शन बी सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय, ऑप्शन डी राष्ट्रीयकरण। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है? ऑप्शन ए सभी धर्मों का अस्वीकृति, ऑप्शन बी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी बहुदेववाद, ऑप्शन डी एकश्रवाद। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी सुपरमार्केट में, ऑप्शन डी कोलकाता में। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए रफी अहमद किदोई, ऑप्शन बी शरद चंद्र बोस, ऑप्शन सी के एम मंजूरी, ऑप्शन डी बेनगल संगठन राव। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी बेनगल संगठन राव। अगला क्वेश्चन, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1995। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए 2005। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप में प्रदान किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी एम एन राय, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए पाकिस्तान की ओर से, ऑप्शन बी भारतीय रेलवे वाला रेलवे, ऑप्शन सी प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन डी संविधान का निर्माण का अधिकार। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए पाकिस्तान की ओर से। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी क्रिप्स प्रस्ताव। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विवरण किया गया है? ऑप्शन ए विवरण 370 में, ऑप्शन बी विवरण 368 में, ऑप्शन सी विवरण 356 में, ऑप्शन डी विवरण 352 में। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी विवरण 368 में। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने संसद सदस्य हैं? ऑप्शन ए 545 सदस्य, ऑप्शन बी 245 सदस्य, ऑप्शन सी 450 सदस्य, ऑप्शन डी 790 सदस्य। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी 790 सदस्य। अगला क्वेश्चन, क्या किसी संसद सदस्य को उसको पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी शायद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए हाँ। अगला क्वेश्चन, संसद सदस्यों के क्या कार्य है? ऑप्शन ए कानून बनाना, ऑप्शन बी बजट अनुमोदन, ऑप्शन सी सरकारी नीतियों की जांच करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए मोहन भागवत, ऑप्शन बी अस्थिर बिहारी बिहारी, ऑप्शन सी मोरारजी दास, ऑप्शन डी केशव बलिराम हेडगुवार। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी केशव बलिराम हेडगुवार। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से आरंभ किया? ऑप्शन ए वर्मा से, ऑप्शन बी जापान से, ऑप्शन सी थाईलैंड से, ऑप्शन डी सिंगापुर से। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी सिंगापुर से।
अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी अन्य। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए 1942। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने प्रथम भारत में सत्य का प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन ए खेड़ा में, ऑप्शन बी अखबार में, ऑप्शन सी चंपारण में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चंपारण में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए जाति और धर्म, ऑप्शन बी क्षेत्र और राष्ट्रीय हित, ऑप्शन सी राष्ट्रीय हित और धर्म, ऑप्शन डी जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? ऑप्शन ए जनसंख्या नियोजन, ऑप्शन बी जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन, ऑप्शन सी आर्थिक कर, ऑप्शन डी राज्य कोष। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। अगला क्वेश्चन, पंचायत राज्य प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 47%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 37%। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी 33%। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी आठवीं, ऑप्शन डी सातवीं। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी आठवीं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी लोकसभा को। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, कौन सा धारा संसद तथा राज्य विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? ऑप्शन ए धारा 23, ऑप्शन बी धारा 17, ऑप्शन डी धारा 2902, ऑप्शन डी धारा 330 और 332। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी धारा 330 और 332। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? ऑप्शन ए 110 दिन, ऑप्शन बी 56 दिन, ऑप्शन सी 60 दिन, ऑप्शन डी 114 दिन। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी 114 दिन। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित की गई संविधान सभा के कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 411, ऑप्शन सी 298, ऑप्शन डी 478। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए 389। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्ररूप समिति में सभापति सहित कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 3। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए 7। अगला क्वेश्चन, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया? ऑप्शन ए 24वें, ऑप्शन बी 42वें, ऑप्शन सी 44वें, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी 42वें। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाई थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी केवल 1। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए 2। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन ए 6 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 4 साल, ऑप्शन डी 3 साल। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी 5 साल। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1926, ऑप्शन डी 1956। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी 1926। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी अध्यक्ष। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, सहकारी समितियों के गठन के अधिकार के साथ कौन सा मौलिक अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20,
ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के सरकार के प्रमुख की स्थिति एक औपचारिक स्थिति है? ऑप्शन ए सरकार का संसदीय स्वरूप, ऑप्शन बी सरकार का राष्ट्रीय स्वरूप, ऑप्शन सी सरकार के संघीय स्वरूप, ऑप्शन डी सरकार का एकात्मक स्वरूप। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए सरकार का संसदीय स्वरूप। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्यों को लोक लेखा समिति में नियुक्त किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 15। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी 7। अगला क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए केशव नंद भारतीय केस, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स मामला, ऑप्शन सी बेरुबरी यूनियन का मामला, ऑप्शन डी विशाखा मामला। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए केशव नंद भारतीय केस। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संबंधित राज्य की विधानसभा। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी निर्देश सिद्धांत। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी निर्देश सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था? ऑप्शन ए 20 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 29 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में संसदीय प्रणाली से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 71 और 78, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74 और 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72 और 71, ऑप्शन डी अनुच्छेद 74 और 70। आपका इसमें सही जवाब हुआ ऑप्शन बी अनुच्छेद 74 और 75। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिक्किम को देश का हिस्सा बनाया गया था? ऑप्शन ए अनुच्छेद 4A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 1A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 2A। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी अनुच्छेद 2A। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार एक विधानसभा के मंत्रिपरिषद की न्यूनतम शक्ति क्या है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 19। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी 12। अगला क्वेश्चन, किस निकाय में भारत के मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के प्रशासनिक को ठीक करने की शक्ति है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए संसद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा किस पर आधारित है? ऑप्शन ए कानून की उचित प्रक्रिया, ऑप्शन बी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन सी मिसाल और कन्वेंशन, ऑप्शन डी कानून और शासन। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए परिसंघ के साथ, ऑप्शन बी दार्शनिक, ऑप्शन सी परिसंघ के एकात्मक आधार के साथ, ऑप्शन डी राज्य का संघ। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी राज्य का संघ। अगला क्वेश्चन, वर्तमान भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 448, ऑप्शन सी 404, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी 404। अगला क्वेश्चन, संविधान के लोक सेवाओं द्वारा क्या प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए विवरण 310, ऑप्शन बी अंक 311, ऑप्शन सी अंक 312, ऑप्शन डी अंक 315। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी अंक 311।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रमुख नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी थल सेना अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी फील्ड मार्शल। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार के क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी भोपाल। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन से वीटो शक्ति होती है? ऑप्शन ए पूर्ण निषेध, ऑप्शन बी निलंबित निषेध, ऑप्शन सी पॉकेट निषेध, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी इनमें से सभी।